सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही एक शॉर्टकट तरीका लेके आया हूँ मैं रिकरेंस रिलेशन याद रखने का। हमें कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम पी एन डैश एंड देन अगेन पी एन। ओके, अब यहाँ पे पी एन के नीचे हम लिखेंगे क्या, एक्स पी एन डैश। अब पी एन लिखा था यहाँ पे डैश, फिर पी एन माइनस वन पी एन प्लस वन डैश, उसके नीचे क्या पी एन माइनस वन डैश। सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे डैश है तो डैश नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स पी एन पी एन प्लस वन एंड पी एन माइनस वन। ओके, अब कुछ एरोस लगाएंगे हम, जैसे कि यहाँ से यहाँ आने का, और यहाँ पे लिखेंगे हम एन, यहाँ से यहाँ एरो, यहाँ पे लिखेंगे एन प्लस वन, और यहाँ से यहाँ हम लिखेंगे टू एन प्लस वन। देखिए ट्रिक्स बता रहे हैं हम, ठीक है, हम उसको डेरिवेशन ही सॉल्व कर रहे हैं, कैसे याद रखेंगे। सो देखो, यहाँ से हमारा तीन रिलेशन निकल के आता है। कैसे तीन रिलेशन निकल के आते हैं, सो ये जो जितने भी ये टर्म्स है ना, ये हम इसके कोएफिशिएंट्स में लगाएंगे पी एन के। तो देखिए पहला क्या निकल के आता है, टू एन प्लस वन इंटू पी एन इज इक्वल्स टू, अब ये एरो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो इधर से यहाँ, तो इस दिस माइनस पी एन प्लस वन डैश माइनस पी एन माइनस वन डैश। सेकेंड रिलेशन क्या निकल के आया, एन प्लस वन, एन प्लस वन इंटू पी एन दैट विल बी इक्वल्स टू दिस माइनस दिस पी एन प्लस वन माइनस एक्स पी एन डैश। तीसरा रिलेशन, एन पी एन विल बी इक्वल्स टू एक्स पी एन डैश माइनस पी एन माइनस वन डैश। देखिए तीन रिलेशन हमने कितने बहुत ही जल्दी आसानी से निकाल दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरोस का डायरेक्शन चेंज कर देंगे, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा एन एंड दिस विल बी एन प्लस वन। अब यहाँ पे देखिए, याद रखने की क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, कि अब ये जो है वो मल्टीप्लाई होगा। देखिए जैसे कैसे फोर्थ कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर पी एन डैश, इसमें वन माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल्स टू दिस एक्स पी एन माइनस पी एन प्लस वन इंटू एन प्लस वन। ओके, ये जो था इसको आप मल्टीप्लाई कर दिए। एंड द फिफ्थ रिलेशन, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी एन डैश विल बी इक्वल्स टू एन, ये जो था, इंटू दिस पी एन माइनस वन इंटू माइनस एक्स पी एन। ठीक है, तो आप पैटर्न को समझना है, हमको पैटर्न को समझना है कि यहाँ पे क्या करेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर दिस माइनस दिस इंटू दिस एंड दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो ये पैटर्न जब हमारे माइंड में बैठ जाएगा ना, तो दो मिनट में हम इसको निकाल लेंगे। तो टोटल कितने रिलेशन निकाले हमने, पांच रिलेशन निकाल लिए। एंड लास्ट वाला रिलेशन है ये, थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं, देखिए इसको ऐसा पैटर्न, देखिए पैटर्न देखिए, एक्स पी एन माइनस वन एंड ये एन माइनस वन को यहाँ पे लाइए, एन माइनस वन, फिर पी, अब एक कम हो गया तो एन माइनस टू, अभी एन माइनस टू को यहाँ पे लिख जाइए टू एन माइनस वन। तो देखिए लास्ट वाला क्या बनेगा रिलेशन, इसमें एन का मल्टीप्लाई एन पी एन दैट विल बी इक्वल्स टू टू एन माइनस वन एक्स इंटू पी एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन पी एन माइनस टू। इसमें से इसको माइनस लीजेंडरी पॉलिनोमियल्स, जिस तरीके से हम अपने मोबाइल का पैटर्न याद करते हैं ना, तो पांच छह बार अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसको टाइम नहीं लगेगा, दो मिनट के अंदर ये आपसे छह का छह आप रिलेशन ड्रॉ निकाल लोगे। एंड बीएचयू के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल फंक्शन से वो क्वेश्चन पूछता है। तो दे देगा चार ऑप्शन की विच ऑफ द फॉलोइंग लीजेंडरी इक्वेशन इज करेक्ट, तो चार में से तीन करेक्ट होगा, एक रॉन्ग होगा, तो ऐसे आपको हेल्प मिल जाएगा। अब ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिक था, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैंने समझा आपसे शेयर करूँ, क्योंकि बाकी सब भी ऐसे हैं जो ढूंढते रहते हैं कि हाँ कुछ ट्रिक्स मिल जाए याद करने का, अभी छह रिलेशन याद करना मुश्किल था, तो इसे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक, सो थैंक यू सो मच वीडियो वॉच करने के लिए, एंड अगर लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उसको हेल्प हो जाए। थैंक यू।